हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिंह। वेलकम है आप सभी का अन अकेडमी पे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का अन अकेडमी पे। चलिए भाई, तो सबसे पहले अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बेटा पहले जाकर सबसे पहले अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस आपको अवेलेबल होगा। दिस इज मी दीपक सिंह, आई एम द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द चाणक्य अकेडमी एंड ऑल्सो द गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द UPSC। दिस इज माई टेलीग्राम ID, आप यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो बहुत जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं, फिर सीधे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम गवाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा, वो 44,000 का है। दीपक वन कोड यूज करेंगे, आपकी जो फीस है उसमें 10% आपको ऑफ मिलेगा। योर फीस विल बी 39,600, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 24 मंथ की जो फीस है वो 64,000 है। यहाँ पे दीपक वन कोड यूज करेंगे, 57,600 आपकी फीस हो जाएगी, क्लियर है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच अवेलेबल होता है, ठीक है। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सारे बेनिफिट आपको वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्लियर है। तो याद रखेंगे, इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, साथ में मेरी भी मेंटरशिप आपके साथ रहेगी। इसकी जो फीस है बेटा वो 12 मंथ की 64,000 है। दीपक वन कोड यूज करेंगे, आपकी फीस हो जाएगी 57,600। यहाँ पे 99,000 है, यहाँ पे भी आप दीपक वन कोड यूज करेंगे, आपकी फीस हो जाएगी 89,100, क्लियर है। जो बच्चे फिनेंशियल प्रॉब्लम में या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ का ले सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ में 8,000 आपकी फीस है, 3 मंथ में 20,000 रुपीज़ फीस है, क्लियर है, तो याद रखेंगे। चलिए, और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्यों, क्योंकि आज के इस लेक्चर के बाद में कल आंसर राइटिंग जो होगी उसमें मैं नेशनलिज्म की आंसर राइटिंग कराऊंगा, एक अमेरिकन रेवोल्यूशन की कराऊंगा, तो बोथ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग द पॉइंट। चलिए, लेट्स सी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज दैट, आज आपने देखा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, समझ रहे ना। तो अब हम एक IS के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज हम वो सारी चीजें देखेंगे कि कैसे कोई कंट्री सुपर पावर बन सकती है जिसका भी कॉलोनाइजेशन किया था किसी ने, ब्रिटेन ने, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सेकंड, सबसे पहली इकोनॉमी वर्ल्ड की यहीं पे आई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड, सबसे पहला मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे आया, तो यहीं पे आया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हमें देखनी है, लेकिन ये तो चीजें जो उसके इंपैक्ट पड़ते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है उसको देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, तो ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, आज के अमेरिकन रेवोल्यूशन को, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एक चीज बता दूं, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर दूं। अमेरिका आज सुपर पावर है, ठीक है, तो अमेरिका आखिर सुपर पावर क्यों है। सेकेंड, हमने सब जगह सेकुलरिज्म की बात देखी, हमने हर जगह प्रॉब्लम देखी, हमने अमेरिका के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं सुना, ठीक है। तो एक वो भी एक सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कि भाई इतना अमेरिका लिबरल कैसे है। और दूसरा, सबसे पहले इकोनॉमी जो आई है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो भी यहीं पर आई है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे आई है। और थर्ड, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं पर आया है, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं पे आया है। और कैसे एक गवर्नमेंट फेडरल होते हुए आज तक जिंदा है उसका, उसकी भी कहानी हम देखेंगे, ठीक है, कैसे लोग आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर एक थॉट आता है बेटा कि आखिर सर अमेरिका ही क्यों, ठीक है, अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया ब्रिटेन के लिए, और कैसे अमेरिका को ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया, और कैसे अमेरिका ने ब्रिटेन को भगाकर अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है कि आखिर अमेरिका की इंपॉर्टेंस इतनी कैसे बढ़ गई, और आज अमेरिका इतना सुपर पावर है। तुमको मालूम है उसके पीछे रीजन भी भारत है। आज तुमको ये पढ़ते हुए इतना प्राउड फील होगा कि आज अमेरिका जो कुछ भी है उसके पीछे रीजन क्या है, भारत है,
ठीक है। और एक चीज आपको पढ़कर बुरा भी लगेगा कि अमेरिका की आजादी ने इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया था, यह भी आपको जानकर ये बुरा लगेगा, एक जानकर फील अच्छा फील होगा। ठीक है, तो आखिर क्या रीजन थे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपके सामने उपिंदर सिंह मैम की एंसेंट हिस्ट्री अमृता मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, मैं सर्च करूं पहले मुझे मिल जाए तो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहां पे तीन लोग आपके सामने हैं, प्लिनी, बर्नियर और पीटर दी ग्रेट। प्लिनी एक रोमन हिस्टोरियन है, बर्नियर एक फ्रेंच ट्रेवलर है और पीटर दी ग्रेट एक रशियन किंग है। क्लियर है, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। प्लिनी एक जो रोमन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बोला था कि रोमन एम्पायर इंडिया के साथ में जो ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है और सारा का सारा वेल्थ रोमन एम्पायर का इंडिया के पास जा रहा है। बेटा कई हिस्टोरियंस ने यह भी बोला है कि जब इस बात को प्लिनी बोल रहा था तो वो रोने लगा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसने कंसर्न किया था कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड रोकना पड़ेगा वरना इंडिया पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के जो गोल्ड है सिल्वर है इन सभी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और रोमन एम्पायर बर्बाद हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का एक बिगेस्ट एम्पायर बनेगा इंडिया। एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट इनके सामने ये आया, क्लियर है, याद रखेंगे, एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आया। दूसरा, एक फ्रेंच ट्रेवलर थे बर्नियर, तो बर्नियर ने ये बोला, ये मिडाइवल टाइम की बात कर रहा हूं, ये मैंने आपको एंशियंट टाइम की बात बोली, ठीक है, ये मैं आपको मिडाइवल टाइम की बात बोल रहा हूं, इससे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडिया एंशियंट टाइम से ही गोल्ड और सिल्वर का सिंक था इंडिया के पास, इतना ज्यादा पैसा था। तो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर क्या कहता है कि यूरोप का सारा वेल्थ ड्रेन हो रहा है कहां पे, इंडिया में। तो इन्होंने भी प्लिनी की बात को सपोर्ट किया। अब थर्ड आते हैं पीटर दी ग्रेट। पीटर दी ग्रेट ने क्या किया कि आग में घी डालने वाला काम होता है ना, वो कर दिया। तो पीटर दी ग्रेट ने क्या बोला, बोला जो भी पर्सन ठीक है पूरे यूरोप को मतलब पूरे इंडिया पे रूल करेगा, जो भी कंट्री इंडिया पे डोमिनेंस करेगा वो एक दिन पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा, क्योंकि इंडिया के पास इतना वेल्थ है कि उसकी मदद से वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। ये रशियन किंग पीटर दी ग्रेट का कॉन्सेप्ट था। तो क्या समझ सकते हो आप कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंस रखता था इन लोगों के लिए, एंसेंट में प्लिनी, मिडाइवल में बर्नियर, अर्ली मॉडर्न में पीटर दी ग्रेट। एवरीवन सपोर्टेड इंडिया कि इंडिया के पास खूब सारा वेल्थ है। और उसी समय क्या हुआ, एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई। जब एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो इनको एक नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट मिला। अब जब इनको नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट मिला और इंडिया की इतनी बड़ाई इंग्लैंड सोच ही रहा था, किसको मिला था, मैं यहां पर लिख दू इंग्लैंड को, ठीक है, अपनी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, याद रखेंगे, इंग्लैंड को यहां पे तो सारी चीजें मिली हुई थी, लेकिन इंग्लैंड को यह भी मालूम था कि हमें इंडिया पे रूल करना है तो ही हम पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस कर सकते हैं। लेकिन सडन क्या हुआ, एक ऐसा कॉन्टिनेंट मिला जहां पे कोई नहीं था, उस कॉन्टिनेंट को एज ऑफ डिस्कवरी में फाइंड आउट हुआ और उस जगह पे जब इंग्लैंड के लोगों ने देखा तो वहां पे तीन चीजें ज्योग्राफिकल मिली। क्या, सबसे पहले तो क्लाइमेट कंडीशन जैसा इंग्लैंड में है वैसा अमेरिका में है, ठीक है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, गोल्ड अवेलेबल है, सिल्वर अवेलेबल है, ठीक है। क्लोजनेस विथ यूरोप, यूरोप से केवल 5000 किलोमीटर की दूरी पर है, ओनली 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, ठीक है। तो आप देखेंगे तीन कंडीशन मिली, एक ऐसा कॉन्टिनेंट मिला जहां पे तीन कंडीशन है। नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड वालों के लिए अच्छा क्लाइमेट कंडीशन, नेचुरल रिसोर्स, फर्टाइल लैंड, गोल्ड सिल्वर, क्लोजनेस विथ यूरोप, ये सभी चीजें ने बहुत अच्छा किया। लेकिन सडन जानते हो क्या हुआ, मालूम है आपको, फिर सडन क्या हुआ कि महारानी जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके माइंड में एक बात आई, मिंटॉस, दिमाग की बत्ती जली। क्वीन एलिजाबेथ ने बोला सब इंडिया के लिए भाग रहे हैं, इंडिया में अभी हमारा डोमिनेंस तो है नहीं, इनका डोमिनेंस इंडिया में कब आएगा, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, समझना मेरी बात को, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद ये इंडिया में डोमिनेट होंगे। अभी तो इनको मालूम है कि इंडिया में पोर्चुगीज हैं, इंडिया में डच हैं, उसके बाद तो ये आए थे, ब्रिटिश जो आया था उसके बाद तो आए थे, थर्ड नंबर पे आए थे। तो इनको मालूम था कि इंडिया हमारे लिए, क्या पता हम इंडिया को जीत पाए ना जीत पाए, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की ओर ध्यान दिया। अब तुरंत क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर लेकर आई,
क्या लेकर आई, एक चार्टर लेकर आई। तो क्वीन एलिजाबेथ जो चार्टर लेकर आई थी बेटा, इस चार्टर में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने हायर किया। ये कौन सी कंपनियां थी, यूरोप की कंपनियां, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज को हायर किया। उनको हायर करने के बाद उनको एक जॉब दिया, क्या जॉब दिया कि यूरोप के लोगों को सेटल करो कहां पे, अमेरिका में। तो यूरोप के लोगों को अमेरिका में सेटल करने के लिए जब इन्होंने चार्टर्ड कंपनी को हायर किया, तो वहां से लोगों ने क्या किया कि यूरोप में, मतलब यूरोप के लोगों को ले जाकर अमेरिका में बसाना शुरू कर दिया। अब आप पूछोगे कि सर एलिजाबेथ ने ऐसा क्यों कहा था, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि कॉलोनाइजेशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि व्हेन अ कंट्री कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ अनदर कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री पावर, आफ्टर दैट द कंट्री सेंड देयर ओन पीपल्स, ठीक है, टू द अनदर कंट्री एंड स्टार्टेड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन में आपको अपने लोग भेजने पड़ेंगे। अमेरिका में जगह है, एग्रीकल्चर हो सकता है, अमेरिका में माइंस है, वहां पे आप रॉ, जो रॉ चीजें हैं वो आप माइनिंग कर सकते हो, गोल्ड की सिल्वर की माइनिंग कर सकते हो, और नेचुरल रिसोर्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए लोग चाहिए। तो इन्होंने कंपनी हायर किया, कंपनी ने लोगों को भर्ती करना शुरू किया और ले जाकर पटकना शुरू किया कहां पे, अमेरिका। अब इंग्लैंड से यहां पर सबको उठाकर पटकना शुरू हुआ। अब जानते हो कॉन्सेप्ट क्या आया, अब यहां पे बेटर कॉन्सेप्ट जानते हो क्या आया, समझो। ये जो लोग लाए गए थे यूरोप से ना, ये यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट जोन से थे, मतलब केवल इंग्लैंड के लोग नहीं थे। यहां पे स्पेनिश भी पाओगे, यहां पे आप पोर्चुगीज भी पाओगे, फ्रेंच भी पाओगे, इंग्लैंड के लोग ब्रिटिशर्स भी पाओगे, पूरे इंग्लैंड के लोगों को उठाकर पटका गया था कहां पे, अमेरिका, ठीक है। अब इसको याद रखना, इसको मैं आगे लिंक करूंगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने वहां पर अमेरिका में अपनी आबादी बसानी शुरू की, और जब इन्होंने अपनी आबादी बसाई तो वहां पे 13 कॉलोनी बनाई ब्रिटिश ने। कितनी कॉलोनी, 13 कॉलोनी। कौन कौन सी, देखो यहां पे लिखा हुआ है, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रॉड आइलैंड, ठीक है, ओकेंटकिटट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। और आपको मालूम है इस दो का, इन दो में आपको दो फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसमें दो फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पे। पहला फैक्ट, ये जो जॉर्जिया है, ठीक है, ये प्योर ब्रिटिश ठीक है, प्योर ब्रिटिश कॉलोनी थी। कौन सी, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया प्योर ब्रिटिश कॉलोनी थी, पहली चीज। सेकेंड में आपको बता दूं कि जो आपको ये वर्जीनिया दिख रहा है, ये फर्स्ट कॉलोनी थी, ठीक है, जिसको ब्रिटिश ने बसाया था 1607 में। और जब इनको बसाया गया था तो क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। इतना याद रखना है क्योंकि आगे लिंक करना है, ठीक है। तो अब बस इतना सा बताओ कि क्या आपको समझ में आ गया कि अमेरिका में लोग कहां से आए। ये क्लियर हुआ, अमेरिका में लोग कहां से आए, आखिर अमेरिका की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ी, ये भी क्लियर हुआ। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बात इंडिया की चल रही थी कि जो इंडिया को डोमिनेट करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। तो यहां पर एलिजाबेथ का ध्यान अमेरिका पे गया कि जो इंडिया में वो तो अमेरिका में भी है, इसीलिए उन्होंने कंपनियों को हायर किया, कंपनियों ने लोगों को वहां पे भेजा, और जब लोगों को भेजा तो लोगों ने वहां पे लोगों को क्या करना शुरू किया, बसाना शुरू किया। इस तरीके से एक अमेरिका का जन्म होता है, एक अमेरिका का जन्म होता है, ठीक है। अब यही अमेरिका कैसे आगे बढ़ेगा, आज ये भी बताऊंगा, आज आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया क्यों इतनी प्रॉब्लम के बाद फिर से उठता है और इंडिया की जीडीपी फिर आगे बढ़ती है, कुछ भी हो जाए इंडिया ग्रोथ कर लेगा, वो भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो अमेरिका और इंडिया में एक खास चीज है जो बाकी किसी देश में नहीं है, ठीक है, उसका अटैचमेंट बताऊंगा, क्लियर है। चलिए अब देखो अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब तक हमने ये बता दिया कि अमेरिका बस चुका है, अब ध्यान देना मेरी बात को कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉज क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज आपको यहां पे दिखेगा इकोनॉमिक कॉज, ठीक है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। सेकेंड आपको दिखेगा पॉलिटिकल कॉज, सोशियल कॉज, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, और फिर एक लास्ट में दिखेगा इमीडिएट कॉज। तो आखिर इन सभी कॉजों में क्या क्या था वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉज डिस्कस करते हैं। तो देखो, हम सभी को मालूम है कि ब्रिटिश ने कितनी कॉलोनी वहां पे बनाई थी, 13 कॉलोनीज। अब जरा मेरी बात को सुनना कि हुआ क्या था।
समझो ब्रिटिश ने क्या किया कि वहां पे 13 कॉलोनीज बना दी, ठीक है, एलिजाबेथ ने लोगों को बसा दिया। फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में रॉयल ऑर्डर बहुत चेंज हुआ, बहुत ज्यादा रॉयल ऑर्डर चेंज हुआ, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का अटैचमेंट अमेरिका से छूट गया। फिर आए हमारे यहां पे ब्रिटेन में किंग जॉर्ज थर्ड, ठीक है, कौन किंग आए ब्रिटेन में, जॉर्ज थर्ड। तो जॉर्ज थर्ड के टाइम में 7 ईयर वॉर हुआ था, शायद आप लोगों को मालूम हो, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर्स वॉर 1756 से 1763 तक हुआ। इस वॉर में ब्रिटिश को लॉस हुआ, ठीक है, तो जब ब्रिटिश को लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो ब्रिटिश ने सोचा पैसा कहां से लाएं, ठीक है, इतना सारा पैसा, और इंडिया में तो अभी अभी रूल करना शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि 7 ईयर वॉर 1756 में स्टार्ट हुआ, 63 में खत्म हुआ, अभी तो बैटल ऑफ बक्सर अगले साल होगा इंडिया में 64 में, समझ रहे हो, तो बैटल ऑफ बक्सर 64 में होना है, ठीक है, लेकिन 1763 में 7 ईयर वॉर खत्म हो गया है, इनको लॉस हुआ है, अब वो पैसा कहां से आएगा। तो जॉर्ज थर्ड ने बोला कि हमारी दादी की दादी की दादी ने कुछ लोगों को वहां बसाया था एलिजाबेथ ने, कहां पे, अमेरिका, जब जाओ तो देखो वो लोग कैसे हैं। जब ये लोग गए अमेरिका तो वहां पे जानते हो क्या देखा इन्होंने, देखो वो लोग तो बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, उनके पास तो खूब वेल्थ है, वो तो खूब एग्रीकल्चर करके कमा रहे हैं, वो तो हाई क्लास की सोसाइटी में है, इतने सारे लाखों लोग इतना इनकम कर रहे। जॉर्ज थर्ड ने बोला कि अब अमेरिका जाओ और उनसे बोलो कि तुम यहां पर हो और केवल हमारी दादी की वजह से हो, एलिजाबेथ फर्स्ट की वजह से हो, तो इसलिए तुम्हारा ये लाइबिलिटी बनता है कि तुम्हें इंग्लैंड को टैक्स पे करना पड़ेगा। लोगों ने बोला अरे ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जॉर्ज थर्ड को बोलो कि हम बहुत पहले से यहां पर रह रहे हैं, भले ही क्वीन ने बताया था लेकिन क्वीन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि हम आप पे बाद में जब मन चाहे तब टैक्स लगाएंगे। इन्होंने बोला नहीं भाई लगेगा, टैक्स तो लगेगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट आ गया ना तो अमेरिकन्स में प्रॉब्लम हुई। अब जब अमेरिकन्स में प्रॉब्लम हुई तो यहीं से इंग्लैंड ने अमेरिका पे अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और जब अपना डोमिनेंस करना शुरू किया तो यहीं से कहानी थोड़ी सी मुड़ गई। अब जरा समझो, इकोनॉमिक कॉज में इन्होंने अमेरिकन्स ने 3 कॉन्सेप्ट लगाए थे, 1, 2, 3। ये 3 कॉन्सेप्ट क्या थे मालूम है? सबसे पहले बोला ट्रेडिंग मोनोपोली, मतलब बोला कि जो खास गुड्स हैं जैसे टोबैको, पोटैटो, गोल्ड, इन सब की ट्रेडिंग केवल अमेरिका ब्रिटेन से करेगा। बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि अमेरिका इनकी ट्रेडिंग केवल ब्रिटेन से करेगा। आगे समझ में, पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? नेविगेशन लॉ लेकर आए। अब ये नेविगेशन लॉ क्या है मालूम है आपको? ये स्टार्टिंग से चल रहा था। टैक्स बढ़ाने की बात कब करेंगे ये? जब 7 ईयर वॉर हारेंगे, समझो। नेविगेशन लॉ में क्या था? नेविगेशन लॉ में इन्होंने ये बोला था कि कंपल्सरी है क्या कि अगर कोई भी अमेरिका का जहाज, मान लो अमेरिका ने कोई जहाज इंडिया भेजा, तो इंडिया डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले जाएगा ब्रिटेन और वहां पे कहेगा हुजूर सलाम वालेकुम, और फिर जहाज लेगा और फिर लौटेगा कहां, इंडिया। मतलब अगर अमेरिका का जहाज वर्ल्ड में कहीं भी जाने के लिए निकला है तो सबसे पहले उसे ब्रिटेन आना पड़ेगा, ब्रिटेन आके उसे टैक्स देगा और टैक्स देने के बाद भी वहां से निकलेगा। मतलब नेविगेशन ही चेंज कर दिया, समझ सकते हो। अब मतलब आपको साउथ अमेरिका भी जाना तो पहले उधर घूम के आओ 5,000 किलोमीटर, फिर जाओ। नेविगेशन ही चेंज कर दिया अमेरिकन के लिए, तो अमेरिकन ये भी सह रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, जमींदारी लगा देगा, रैयतवाड़ी आ जाएगा, महालवाड़ी आ जाएगा, हम लोग सहते रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी हम 57 कर देंगे, 1857 की क्रांति। तो ऐसे यहां पे भी कुछ है, ये तो लंबे समय से चल रहा था, हल्का फुल्का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेविगेशन लॉ भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखो थर्ड पॉलिसी ये क्या लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आपको मालूम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था? अमेरिका ने बोला बिल्कुल क्लियर किया कि भाई देखो तुम अपना सेकेंडरी सेक्टर नहीं बनाओगे, अमेरिकन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, वो मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिटेन से खरीदेंगे और जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे वो ब्रिटेन को बेचेंगे। लोगों ने बोला अरे ये क्या, शायद आपने अभी ग्रीस क्राइसिस सुना हो, 2012-13 की समथिंग ग्रीस क्राइसिस आया था, शायद आपने नाम सुना हो। ग्रीस की पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई थी क्योंकि ग्रीस के पास में
सेकेंडरी सेक्टर नहीं था, और जर्मनी ने बोला था कि मेरे यहाँ लेबर की डिमांड है, तुम क्यों लेबर भेजो और हम तुम्हें पैसा देंगे। बाद में जर्मनी ने पैसा देना बंद किया तो ग्रीस के लोग बर्बाद हो गए। तो किसी भी देश के लिए सेकेंडरी सेक्टर होना जरूरी है। ब्रिटिश ने इनसे बोला नहीं, तुम अपना सेकेंडरी सेक्टर नहीं डेवलप करोगे भाई साहब, ठीक है, तुम मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करोगे, हम तुमको मैन्युफैक्चर देख करके देंगे, ठीक है, तुम बस खरीदोगे और रॉ मटेरियल बेचोगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये तीनों क्या एक्सप्लॉयटेशन थे, ट्रेडिंग मोनोपोली, नेविगेशन लॉ, अरे रट जाओगे मेरे वीडियो में लेक्चर पूरा रट जाओगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। ट्रेडिंग मोनोपोली, नेविगेशन लॉ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, ये तीनों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए होंगे, ठीक है, ये तीनों एक्सप्लॉयटेशन थे। चलिए आगे बढ़ते, अब पॉलिटिकल कॉज क्या था मालूम है आपको, पॉलिटिकल कॉज क्या हुआ, 13 कॉलोनीज है तो 13 गवर्नर होंगे, 13 कॉलोनीज, 13 गवर्नर, तो 13 लेजिस्लेचर आएंगे, ठीक है, और 13 लेजिस्लेचर अलग अलग टैक्स लगाएंगे। तो अमेरिकन कहते थे कि हम क्या पागल हैं कि जो देखो वो तब आ रहा है, बोल रहा है आप तुम पे ये टैक्स, तुम पे वो टैक्स। तो अमेरिकन ने बोला यार ये देखो तुम बात गलत कर रहे हो। उसी समय ब्रिटिश ने एक कदम उठाया था, मालूम है क्या कदम उठाया था, 1689 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आया था जिसे हम कहते हैं जेंटलमैन रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन आया था, जेंटलमैन रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह बोला था कि जितनी भी हमारी टैक्स टैक्स पेइंग सेक्शन है, जो जो देश हमें टैक्स देता है उन सभी को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो लोगों ने बोला कहां, तो बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कहां पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्लियर है, कहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिलेगा। लोगों ने बोला यार बहुत सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, हम टैक्स दे रहे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब आपको मालूम इससे क्या फायदा होगा, अगर आप पार्लियामेंट में हो तो आप अपनी डिमांड की चीजें रख सकते हो ना कि हमारे अमेरिका का शोषण कर रहा है ये ब्रिटेन, तो ठीक है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन क्या हुआ मालूम है आपको, सडन क्या हुआ कि 7 ईयर वॉर एंड हुआ, 7 ईयर वॉर, इसमें ब्रिटेन को लॉस हुआ। तो जब ब्रिटेन को लॉस हुआ तो ब्रिटेन ने स्टैंप ड्यूटी, शुगर ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी लगा दी, मतलब ब्रिटेन ने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। किन के ऊपर मालूम है, ब्रिटेन ने इतने सारे टैक्स लगा दिए भाई साहब अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका ने क्या बोला, बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जेंटलमैन रेजोल्यूशन की बात करो, जब तक तुम हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे पार्लियामेंट में तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कितने अच्छे लोग थे, टैक्स देने की बात कर रहे हैं, बस छोटी सी चीज तो मांग रहे, तुम ही तो कानून लेकर आए थे 1689 में कि जो टैक्स हमें देगा उसे हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो भाई दो रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ब्रिटिशर्स को मालूम था कि अगर अमेरिकन को रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ब्रिटिश ने इनको रिप्रेजेंटेशन देने से मना किया। इससे पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स में खलबली मच गई, ठीक है, खलबली है खलबली, वही वाला मामला हो गया। अब देखो क्या होगा, अब सोसाइटी की बात करते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा ना वो छोटी छोटी चीज है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये आपके इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडिया और कोई भी देश कैसे अच्छा बन सकता है उसका जीता जागता नमूना है आपके पास में, जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सोशल कॉज में मैं आपके सामने एक वर्ड बताने वाला हूं जो आपके साथ स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या, डाइवर्सिफाइड। डू यू नो डाइवर्सिफाइड क्या है, मालूम है आपको डाइवर्सिफाइड क्या है, चलिए हम बताते हैं। देखो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर से लोगों को बसाया था, किससे लोगों को बसाया, चार्टर से। तो आपको मालूम है अमेरिका में कौन कौन से लोग बसाए गए थे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो स्पेनिश, ठीक है, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डेंस, मतलब डेनमार्क वाले, ये इतने लोग बसाए गए थे पूरा अमेरिका में। आज अमेरिकन को जो आप अमेरिकन बोलते हो ना, ये इन सबका मिक्सचर है, ठीक है। सेकेंड कन्विक्ट, कन्विक्ट कौन से, जो छोटे मोटे अपराध में बंद थे ना जेल में, उनको भी अमेरिकन ने उठा, मतलब ब्रिटिश ने उठाया और भेज दिया कहां पे, अमेरिका, ठीक है। अब जरा समझना,
कन्विक्ट्स को भी अमेरिका भेज दिया, ठीक है, क्लियर है। स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगल, डेंस, चोर, लुचक्के, मर्डरर, खूनी, ठीक है, रेपिस्ट, सबको उठा के अमेरिका भेज दिया और बोला मेहनत करो। तो अमेरिका में जो लोग गए थे उनमें से जानते हो आप मैक्सिमम लोग कौन थे मालूम है आपको? मैक्सिमम लोग प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट मतलब जिनका धर्म पे ज्यादा विश्वास नहीं है, मतलब वो ज्यादा दैवीय शक्ति से ज्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, वो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो फिर आपको यहां पे सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि अमेरिका की सोसाइटी डाइवर्सिफाइड थी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इंडिया के साथ जोड़ूंगा। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अलग अलग धर्म के लोग है, 72 धर्म के लोग हैं इंडिया में। क्या इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिफाइड है कि नहीं है, सच बताना, ठीक है। जैसे ये डाइवर्सिफाइड है वैसे इंडियन सोसाइटी है कि नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका इंडिया में एक सिमिलरिटी मिल गई, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री और कोई नहीं मिलेगा। एक अमेरिका इंडिया में, मतलब इंडिया में आपको, सॉरी, एशिया में इंडिया मिलेगा और उधर आपको अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो ये एक तो डाइवर्सिफाइड मिले। अब देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या आया, समझो। जब ये लोग वहां पे बस गए, तो भाई धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए। तो आप ये बताओ, आप में से काफी लोग लेक्चर में भी जुड़े हो, आपके दादा परदादा क्या पता कहीं और के रहने वाले थे, आप लोग कहीं और रहने लगे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो भाई कोई बच्चा है दिल्ली में रह रहा है, किसी का परिवार दिल्ली में रह रहा है, लेकिन वो रहने वाले बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, साउथ के होंगे, उनके दादा परदादा आके बस गए, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे इनके भी दादा परदादा जो थे वो आए हुए थे, लेकिन जो इनके, अब समझो, अब जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उनका तो अटैचमेंट था कि नहीं यार अपना यूरोप, अपना यूरोप। लेकिन उनका बेटा हुआ, बोला थोड़ा यूरोप थोड़ा अमेरिका। अब उनका भी बेटा हुआ, उसने बोला नो ओनली अमेरिका, उसने बोला नो ओनली अमेरिका। मतलब अमेरिकन सोसाइटी में जो लोग थे वो पूरी तरीके से आए तो यूरोप से थे, लेकिन वो पूरी तरीके से डिटैच हो गए। नाउ अमेरिका इज मदरलैंड। आ गया समझ में? समझ में आ रहा? देखो मैं कॉन्सेप्ट में घुस रहा हूं जो यूपीएससी की डिमांड है, ठीक है। तो अब अमेरिका क्या हो गया? मदरलैंड हो गया। समझ में आ रहा ना? अमेरिका क्या हो गया? मदरलैंड हो गया। क्लियर है? आ रहा ना समझ में? जैसे बहुत सारे लोग, जैसे बहुत अच्छा कमेंट आया अंजलि का कि भाई एंसेस्टर पाकिस्तान से थे, लेकिन आज आपका जो प्रेम है वो हिंदुस्तान के लिए होगा ना, क्योंकि आप अभी हिंदुस्तान को समझोगे, आपके ग्रैंडफादर और उनके फादर का पाकिस्तान के साथ होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब मदरलैंड को कौन हो गया? अमेरिका हो गया। तो अब सोसाइटी डिटैच हो गई, तो अब अमेरिका से प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अब ब्रिटिश के थोड़ी खिलाफ जाने लगोगे, यार ब्रिटिश अभी तक हमारे ऊपर हक जमा रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो यहां से लोगों में एक गुस्सा आएगा, ठीक है। और सुनो, इतनी डाइवर्सिफाइड, इतनी डिटैच सोसाइटी ने मिलके अमेरिका को डायनेमिक बनाया। अमेरिका में फर्टिलिटी आई, ठीक है, अमेरिका में लोगों ने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, ठीक है, अमेरिका में एक अच्छी सोसाइटी बनाई जिसके ऊपर चर्च नहीं है, बहुत बड़ी बात। जो चर्च पूरे यूरोप में था, जो चर्च पूरे यूरोप में डोमिनेंस में था, जो लोगों को लिबर्टी नहीं दे रहा था, यहां पे इनको लिबर्टी मिल गई, क्योंकि अब इनके ऊपर चर्च नहीं है। आ रहा ना समझ में? ये फ्री हैं। और आप सभी को मालूम है कि लिबर्टी इन थॉट एंड एक्शन मस्ट एग्जिस्ट, इफ इट डजंट द मैन द रेस द नेशन मस्ट गो डाउन। क्लियर हुआ? तो लिबर्टी होना बहुत जरूरी है, वही लिबर्टी यहां पे इनको मिली और इन लोगों ने समाज को बदल दिया, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, जो जो बैरन लैंड्स थे उनको फर्टाइल बना दिया, ठीक है, क्योंकि इनके पास और कुछ था नहीं, तो बैरन लैंड को फर्टाइल बना दिया, माइनिंग करके गोल्ड सिल्वर जुटा लिए, अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से जी रहे थे, बहुत खुश थे, दिन रात पार्टी ऑल नाइट चल रहा था, पब में जा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। लेकिन सडन प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई भाई साहब? डिसअपॉइंटमेंट। ये डिसअपॉइंटमेंट कैसे आया?
जैसे ही 7 ईयर वॉर हुआ, ब्रिटिश ने टैक्सेस बढ़ा दिए, ब्रिटिश आके पूरे अमेरिका पे डोमिनेंस करने लगा। इन लोगों ने बोला क्या, इन लोगों ने बोला कि अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारी मेहनत की कमाई है, इसके ऊपर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो ब्रिटेन क्या बोलता, नहीं हमारी दादी ने बसाया था, हम तो पैसा लेंगे। तो बोले यार ये तो मान ही नहीं रहा है। और यहीं से शुरू हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, आप सभी को मालूम है किसी भी रिवोल्ट के होने के पीछे इंटेलेक्चुअल का होना बहुत जरूरी है, और जब तक इंटेलेक्चुअल नहीं आएंगे तब तक रिवोल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल का रोल कैसे आया, तो यहां पे देखो, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल में आपके सामने आएंगे कौन, थॉमस पेन। कौन थे थॉमस पेन भाई? थॉमस पेन ने एक शब्द बोला, क्या बोला मालूम है आपको? थॉमस पेन ने एक निकाला पेपर ऑफ कॉमन सेंस। पेपर ऑफ कॉमन सेंस में थॉमस पेन ने क्या बोला, बोला डू यू हैव अ कॉमन सेंस। तो लोगों ने बोला क्या, बोला डू यू हैव अ कॉमन सेंस, ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड अस। दादा भाई नॉलोजी इंडिया। अब मैं जोड़ूंगा हर एक इंडिया के पर्सन से जोड़ूंगा आपको, ठीक है, याद रखना, क्योंकि तो ही मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इंडिया के रिलेट में आ सकता है, ठीक है, तो मैं इंडिया के साथ जोड़ूंगा भी, क्लियर है। अब देखो समझो, थॉमस पेन ने एक पेपर निकाला, पेपर ऑफ कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस का मतलब उसने अमेरिकन को यह बोला कि डू बी हैव अ कॉमन सेंस। लोगों ने बोला क्या, बोला ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ बेल्ट निकाला और बोला देखो ब्रिटिश कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो थॉमस पेन इज लाइक दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने लोगों को अवेयर किया कि ब्रिटिश हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। पहला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, फिलोसॉफिकल सोसाइटी, कहां पे, आपके अमेरिका में, ताकि अमेरिकन लोगों को क्या किया जाए, अवेयर किया जाए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन केम विद द फिलोसॉफिकल सोसाइटी, और उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, INA, आजाद हिंद फौज, ठीक है, अब हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक हो गए। अच्छा अब ये बताओ, हमारे यहां पे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला था, ठीक है, स्वराज बर्थ राइट ये किसने बोला था हमारे यहां पे इंडिया में, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। कोई सोर्स नहीं पूछा, जो सोर्स है सब यही है, भगवान यही है, ठीक है, जो सब है यही है, सब इस वीडियो को देखते जाओ सब कंप्लीट हो जाएगा, नो नीड टू वरी, क्योंकि आंसर राइटिंग कराऊंगा तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, ये भी तो खुद ही समझ में आ जाएगा लेक्चर से आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो भाई बताओ किसने बोला था हमारे यहाँ पे, तिलक ने बोला था ना, बाल गंगाधर तिलक ने, यस। तो जानते हो इन्होंने सोसाइटी बना दी, इन्होंने लोगों को अवेयर कर दिया, और ये आदमी आखिरी में आया और क्या बोलता है, बोलता है गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस, या तो मार दो या तो आजाद कर दो, दो ही में से कोई एक चीज कर दो, स्लोगन दे दिया, या तो मार दो और या तो आजाद कर दो, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। हेनरी पैट्रिक, तो हेनरी पैट्रिक के स्लोगन ने अमेरिकन्स को और ज्यादा इंथुजियास्ट कर दिया, बोला हां गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस, ठीक है, या तो मार दो या तो आजाद कर दो। अब जैसे ये स्लोगन फैल गया, अमेरिकन गेट यूनाइटेड, बोला अब तो अति हो गई है, अब तो मरना ही ठीक है वरना आजाद होना ठीक है, बस लोग एक साथ आगे आ गए। गांधी करो या मरो, गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, लोगों ने बोला हाँ गांधी ने बोल दिया है, यही यही अंतिम पल है, एकजुट हो जाओ, क्लियर है, यस यस, ठीक है। और इस तरीके से लोग एकजुट हो गए, माहौल बन चुका है, लेकिन अब जैसे 1857 की क्रांति में वो चर्बी वाला कारतूस था, वैसे यहां पे आ जाएगा इमीडिएट कॉज, 7 ईयर वॉर। अब ये 7 ईयर वॉर क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं, समझो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया जो है ना, यूरोप में ऑस्ट्रिया, इसके सक्सेशन के लिए वॉर स्टार्ट हुआ, कि ऑस्ट्रिया में किंग की डेथ हो गई थी। अब दो लोग थे, दो में से कोई एक बन सकता था, एक प्रिंसेस थी और एक किंग थे,
तो एक को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस कि हमारा आदमी बन जाए ऑस्ट्रिया का किंग, और एक को सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड कि भाई हमारा पर्सन बन जाए। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड फ्रांस में थोड़ी दुश्मनी थी। और उसी समय क्या हुआ कि एक एरिया था सिलेसिया, ठीक है, इस सिलेसिया जो एरिया था, इस एरिया पे ऑस्ट्रिया अपना डोमिनेंस करने लगा और इधर से प्रसिया अपना करने लगा। हम सभी को मालूम है प्रसिया क्या था, जर्मन स्टेट था। हम सभी को मालूम है क्या, प्रसिया जर्मन स्टेट था। तो इस सिलेसिया को लेकर ऑस्ट्रिया अपनी तरफ से भिड़ गया और प्रसिया अपनी तरफ से भिड़ गया, ठीक है। और जब ये दोनों अपनी तरफ से भिड़े तो इंग्लैंड आ गया किसके साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में, ठीक है, याद रखेंगे। और फ्रांस चला गया किसके साथ में, सॉरी, फ्रांस आ गया ऑस्ट्रिया के साथ में और इंग्लैंड चला गया प्रसिया के साथ में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब देखो कौन कौन आ गया, इंग्लैंड और प्रसिया एक साथ हो गए, ठीक है, इंग्लैंड और प्रसिया एक साथ हो गए और फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक साथ हो गए, ठीक है। अब दोनों को डोमिनेंस किसका चाहिए था, इस एरिए का, जिस एरिए का नाम क्या था, सिलेसिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रही थी तो बांग्लादेश को सपोर्ट करने कौन पहुंच गया, इंडिया, और लड़ना उसको किससे पड़ा, पाकिस्तान से, ठीक है, वो सपोर्ट करने पहुंचा बांग्लादेश का, लेकिन इधर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया पे, तो मामला किसी और का था। बांग्लादेश पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, जिनको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, ये आपस में लड़ रहे थे, इंडिया को क्या लेना था। लेकिन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सपोर्ट कर दिया और इधर पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया, 1971 का वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही 1971 का वॉर स्टार्ट हुआ, फ्रांस के लिए क्या बना, ये मतलब सॉरी इंडिया के लिए क्या बना, हार्मफुल, और पाकिस्तान बर्बाद हो गया इस वॉर के बाद, उसकी इकोनॉमी उसके बाद उठी ही नहीं। अभी तक पाकिस्तान में जो बुरे हालात हैं वो 71 के वॉर की वजह से हैं। सेम यहां हुआ, मामला था ऑस्ट्रिया प्रसिया का, दो आपस में लड़ रहे थे, ये दोनों घुस गए, एक तरफ से प्रसिया के साथ इंग्लैंड आ गया और ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस आ गया, और अब प्रसिया ऑस्ट्रिया साइड हो गए, अब लड़ बैठे ये इंग्लैंड और फ्रांस। और जैसे ये दोनों लड़ बैठे, इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों जैसे ही लड़ बैठे, इंग्लैंड को इकोनॉमिक लॉस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, और फ्रांस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है, फ्रांस बर्बाद और इंग्लैंड को क्राइसिस आई। अब जैसे इंग्लैंड में प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, अब पैसा कहां से आए, अब पैसा आए कहां से, तो मालूम है जब ये 7 ईयर वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया में एंग्लो कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था, एंग्लो कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट आया, पैसा कहां से आए, ठीक है, तो इन्होंने बोला पैसा आएगा, बोले कहां से, बोला टैक्स लगाएंगे, बोला किस पे लगाओगे, बोला है तो कौन, अमेरिका, समझ रहे हो। तुरंत 7 ईयर वॉर में जो लॉस हुआ, उस लॉस के फुल मतलब कंपनसेशन के लिए ब्रिटिश ने अमेरिका पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब हम यहां से 3 फेज डिस्कस करने वाले हैं। पहला फेज बोला जाता है ग्रेनविले फेज, दूसरा फेज है रॉकिंगहम फेज, तीसरा फेज है लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी। आज अब हम लोग बहुत अच्छी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बोस्टन टी पार्टी क्या थी, बोस्टन मैसेकर क्या था, और ये क्या था भाई, सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी क्या थे, ठीक है। अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखा आपने, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब तक हमने बेस सेट कर लिया, क्लियर हुआ बेस की नहीं तो चैट बॉक्स में बताओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख ली, पॉलिटिकल प्रॉब्लम देख ली, सोसाइटी देख ली, और इससे हमने ये देख लिया कितना प्रॉब्लम में था अमेरिका, और फिर हमने इमीडिएट कॉज देख लिया। इमीडिएट कॉज क्या था कि भाई साहब 7 ईयर वॉर में जो लॉस हुआ उसका कंपनसेशन अमेरिका पे लगा दिया, कैसे, तुरंत जो लॉस हुआ जॉर्ज ग्रीन विले आए, ठीक है, और जैसे ही जॉर्ज ग्रीन विले आए उन्होंने पहली पॉलिसी लगाई, उन्होंने सीधे लगा दिया कि अब नए टैक्सेस देने पड़ेंगे, शुगर ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी किसको, अमेरिकन्स को,
तो अमेरिका में नए टैक्स आ गए, अमेरिकन ने बोला ये क्या है, तो ग्रीन विले क्या कहते हैं, ये ब्रिटिश पीएम थे, ग्रीन विले जानते हो क्या बोलते हैं, ग्रीन विले कहते हैं कि मैंने 7 ईयर वॉर अमेरिकन के भलाई के लिए लड़ा, वरना फ्रांस तुम पे डोमिनेंस कर लेता, तो ये तुम्हारे लिए लड़ा गया है इसलिए टैक्स का बर्डन भी तुम पे आएगा, इसलिए जो लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन भी तुम करोगे। अमेरिकन ने बोला वो लो बैठे बैठे नया खर्चा, अरे हमने हमारे लिए तुमने कहां लड़ाई की, तुम तो अपने लिए लड़ने गए थे, तुमको खुजली हो रही थी यूरोप में, हमें नहीं हो रही थी, हम तो आराम से हैं, हमें फ्रांस से क्या डर। लेकिन इनने बोला नहीं, जो तुम्हारे साथ में हुआ भाई साहब, वो जो जो ये वॉर हुआ है तुम्हारे लिए लड़े है, तुम मानो चाहे ना मानो तुम्हारे लिए लड़े। अमेरिकन ने बोला नहीं यार तुम नहीं लड़े हो यार, तो बोले नहीं लड़े भाई, स्पिन तन गई। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुआ समझो, सेकेंड कॉन्सेप्ट लेकर आए ग्रीन विले ये कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दी ओल्ड रूल्स। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये था कि जब 1756 से 1763 में 7 ईयर वॉर चल रहा था ना, 7 ईयर वॉर, ठीक है, तो इस 7 ईयर वॉर में ये जो ब्रिटिश थे मतलब अमेरिकन थे, इन्होंने सारे कानून तोड़ दिए ब्रिटिश के, नेविगेशन लॉ नहीं मानते थे, जहाज जहां ले जाना वहां ले जा रहे थे, ठीक है, कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। तो जब ब्रिटेन थोड़ा वॉर से फुर्सत मिला तो उसने बोला कि तुमने बहुत कानून तोड़े हैं, अब तुम स्ट्रिक्ट कानून को मानोगे, अब तुम ये बताओ, अब ये तुम बताओ, वो छोटी सी चीज बताओ, ठीक है, बोला जाता है ना कि नहीं, अब क्या बोले छोड़ो वो एग्जांपल नहीं देते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं, कुछ लोग को बुरा लग जाएगा तो कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दूसरा ये था, ठीक है, कि मान लो कि आपको आपके फादर ने बोला कि ले भाई तू 5 महीने 10-10 हजार रुपये ले और इंजॉय कर, ठीक है, और 6ठे महीने से बोल दिया कि नहीं यार अब तू पैसे इतना नहीं खर्च करेगा, 5 हजार करेगा, अब तुमको कैसा फील होगा। तुमको जब आजादी मिली तो तुमको कैसा लगा, तुमने आजादी इंजॉय की, जब तुमने आजादी इंजॉय कर ली तो चख लिया तुमने टेस्ट किसका, आजादी का। इन 7 सालों में जब ब्रिटेन फ्रांस से लड़ रहा था तो अमेरिकन आजादी को इंजॉय कर रहे थे, और एक बार तुमने आजादी को टेस्ट कर लिया तो मालूम है ये इससे अच्छा नशा कोई नहीं है, ये रिया चक्रवर्ती को भी नहीं मालूम है, इससे अच्छा नशा कोई नहीं है, आजादी से अच्छा नशा, ये नशा मिल गया लोगों को। और जैसे नशा मिल गया लोगों को और ब्रिटिश आए बोले नहीं अब तुम फिर से रूल फॉलो करोगे, अमेरिकन ने बोला नहीं हम तो आजादी का मजा ले चुके हैं, अब ज्यादा मत बोलो ना पटक के मारे जाओगे, ठीक है। तो यहां पर यह कॉन्सेप्ट आ गया, अमेरिकन बिल्कुल खिलाफ हो गए। और देखो क्या हुआ, जब अमेरिकन अपना एरिया बढ़ा रहे थे तो ब्रिटिश ने इनको रोक दिया, मालूम है क्या बोल के, बोला नहीं वहां के जो लोकल लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो वहां के नेटिव्स कौन थे अमेरिका के मालूम है, जो ओरिजिनल थे उन्हें कहा जाता था रेड इंडियन, ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा ना, ये रेड इंडियन, ठीक है, तो ये रेड इंडियंस थे वहां के नेटिव्स थे, ठीक है, तो ये रेड इंडियंस, तो इन्होंने क्या बोला कोई तुम नया एक्सपांशन नहीं करोगे। मालूम है क्या प्रॉब्लम हो रही थी ब्रिटिश को, ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर ये एक्सपांड कर गया तो हमसे बड़ी पावर बन जाएगा, तो इसके एक्सपांशन को रोको, तो इन्होंने रोक लगा दी। तो अमेरिकन ने बोला क्यों, तो बोले इससे तुम वहां के नेटिव्स को प्रॉब्लम में कर रहे हो, रेड इंडियंस को लॉस हो रहा है, उनके साथ तुम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो अमेरिकन ने बोला तुम हमारे साथ क्या खेल कर रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हो तुम हमारे साथ में, तुम भी तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो इस पे भी इनके बीच में बात बन गई, ठीक है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट थे, तो जैसे ये तीनों पॉलिसी आई और अमेरिका के लोग, जब अब आजादी का नशा उनके ऊपर आ गया है, तो अमेरिकन्स में 2 ऑर्गेनाइजेशन बने। एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाया सन ऑफ लिबर्टी, इस पे मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में, सन ऑफ लिबर्टी, और दूसरा बना डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। अब सन ऑफ लिबर्टी क्या करते थे मालूम है, जो इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी लगाई थी ना, दूसरे ड्यूटी, सन ऑफ लिबर्टी के लोग जाए और जो लोग टैक्स लेते थे उनको पकड़कर और गिरा के मारते थे कोने कोने में, तो ये सन ऑफ लिबर्टी करते थे। डॉटर ऑफ लिबर्टी क्या करते थे मालूम है, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी में लड़कियों का एक ग्रुप होता था, वो गांव गांव जाके अमेरिकन लोगों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना, उनके सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ रिलायंस को सिखाना, जैसा हमारे यहाँ गांधी जी ने चरखा चलाने को बोला था,
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट डॉटर ऑफ लिबर्टी ने अमेरिका में चलाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका के लोग अवेयर भी हुए और थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस की ओर बढ़ने लगे, तो दोनों ने डेवलपमेंट किया। तो अब मालूम हो जाना चाहिए आपको कि जॉर्ज ग्रीनविले की पॉलिसी का इंपैक्ट क्या पड़ा था। अगर आपसे पूछा इंटरव्यू में तो क्या बताओगे आप, ये बोलोगे कि सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बने थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल को मतलब अपोज करना शुरू किया था, उनके खिलाफ में जाना शुरू किया था। क्लियर है? तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही वहां पर सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी ने उत्पाद मचा रखा था, तो तुरंत एक नए पीएम आते, उनकी डेथ हो जाती है, नए पीएम आते रॉकिंगहम। रॉकिंगहम पीएम आते हैं और रॉकिंगहम पीएम के फिनांस मिनिस्टर होते थे टाउनसेंड। टाउनसेंड फिनांस मिनिस्टर हैं, रॉकिंगहम पीएम है। तो जैसे ये आए तो इन्होंने बोला कि देखो इन सभी प्रॉब्लम के पीछे, इन सभी जो अमेरिका में प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे एक ही रीजन है। तो लोगों ने बोला क्या रीजन है, तो बोले रीजन ये है कि ये जो अपना ग्रीनविले है ना, ये जो स्टाम्प ड्यूटी लगा गया इससे लोग परेशान है, स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दो। तो रॉकिंगहम ने तुरंत क्या किया, स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया। जैसी स्टाम्प ड्यूटी बंद हो गई, जैसी स्टाम्प ड्यूटी खत्म हो गई, तो फिर अमेरिकन्स को थोड़ा सांस लिए अमेरिकन्स, लेकिन तुरंत वहां के जो फिनांस मिनिस्टर थे टाउनसेंड ने क्या बोला मालूम है, हमने स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ब्रिटिश को राइट नहीं है टैक्स लगाने का। तो रॉकिंगहम ने बोला तुम्हारे कहने का मतलब मैं नहीं समझा, सीधे सीधे बोलो। तो टाउनसेंड ने सीधे सीधे क्या बोला मालूम है, बोला हम अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दे तो ठीक है। ये देखो जो बोला टाउनसेंड ने, बोला कि ब्रिटिश हैव राइट टू इंपोज टैक्स, अब ब्रिटिश के पास अभी भी अधिकार है कि वो टैक्स लगा सकता है। तो रॉकिंगहम ने बोला आप टैक्स मत लगा पगले, अभी तो इतनी मुसीबत हुई है, आप कौन सा टैक्स लगाएगा। तो बोला टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है उसको तो बढ़ा दे। तो अब जरा समझना, अमेरिकन जो भी गुड्स खरीदते थे, जो भी गुड्स इंपोर्ट करते थे, इनके ऊपर अलग से टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। और इसी टैक्स को हम बोलते थे क्या, मतलब सॉरी इसी टैक्स को हम क्या बोलते थे, इंपोर्ट टैक्स, ठीक है। तो अमेरिकन जो भी गुड्स ब्रिटेन से खरीदते थे उन पे उनको इंपोर्ट ड्यूटी देना होता था, और ब्रिटेन की मोनोपोली थी, अमेरिका में अगर कोई कुछ बेच सकता है, कोई सेल कर सकता है, तो वो केवल ब्रिटेन कर सकता है। तो ब्रिटेन ने जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, आपको मालूम है रॉकिंगहम प्लान का क्या इंपैक्ट पड़ा, बोस्टन मैसेकर। मैं आपको बता दूं, थ्री फेमस मैसेकर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा मालूम है आपको, पहला मैसेकर है वर्ल्ड में जो सबसे फेमस है, ठीक है, वो मैसेकर है आपका बोस्टन मैसेकर, ठीक है। बोस्टन मैसेकर काफी लोग मारे गए 1770। दूसरा मैसेकर जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है वो है जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 जो इंडिया में हुआ था। और फिर एक हुआ था 1989 में चाइना में, जिसे आप बोलते हो तिनामान मैसेकर चाइना। ये तीन मैसेकर वर्ल्ड के सबसे फेमस मैसेकर्स हैं, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इनके ऊपर ओपन फायर हुआ था। तो बोस्टन में लोग जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी इसके खिलाफ में सैमुअल एडम्स नाम का पर्सन था, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, और सैमुअल एडम्स ने लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि अब हम लोग टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और जब ये लोग आगे बढ़ने लगे, बोस्टन में पीसफुल मार्च निकला, तो ब्रिटिश ने गलती की, इनके ऊपर गोली चला दी। और जैसे ब्रिटिश ने इनके ऊपर ओपन फायर किया, ठीक है, यहां से क्लैशेस बढ़ गए और ब्रिटिश का क्रिटिसाइजेशन स्टार्ट हो गया, और अमेरिकन्स में और ज्यादा यूनिटी आ गई, पहले के कंपैरिजन में यूनिटी ज्यादा आ गई, और ये ब्रिटिश ने सबसे बड़ी गलती की थी। तुरंत रॉकिंगहम का भी समय गया, तुरंत आते लॉर्ड नॉर्थ, न्यू ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। अब लॉर्ड नॉर्थ के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या मालूम है, लॉर्ड नॉर्थ जब आए थे, ये समय था बेटा 1770 का, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओगे 1770 में इंडिया में क्या चल रहा था, टेल मी
1770 में इंडिया में क्या चल रहा था बताओगे? चलो मैं बताता हूं, देखो इंडिया में क्या चल रहा था 1765 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, ठीक है। इससे कंपनी का ध्यान टैक्स में ज्यादा आ गया और कंपनी करप्ट हो गई और कंपनी को लॉस होने लगा, तो कंपनी ने लोन की डिमांड की। कंपनी ने लोन की डिमांड की क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी। शायद हम सभी को मालूम हो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसमें चली गई? फिनेंशियल क्राइसिस में। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा फिनेंशियल क्राइसिस में गई तो लोन की डिमांड हुई। अब जब लोन की डिमांड हुई तो लोगों उन्होंने पैसा मांगा क्राउन से, तो क्राउन ने बोला अरे इंडियंस मतलब ऑफिसर्स इतना कमा रहे, कंपनी लॉस में क्यों गई? तो अब इनके सामने दो मुसीबत थी, एक तो बोस्टन में गोली चल गई है, लोग मारे गए हैं, अमेरिकन खिलाफ है, और दूसरा इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो गई है। अब जब लॉर्ड नॉर्थ आए तो इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी का यूज किया जिसका मतलब जानते हो क्या था? जिसका मतलब था डबल शॉट बाय सिंगल एरो। और इनकी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं मालूम है? लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं लॉर्ड नॉर्थ टी पॉलिसी। अब इनके सामने दो प्रॉब्लम में लोग हैं। पहला प्रॉब्लम में इनके सामने कौन है? अमेरिका। सबसे पहली प्रॉब्लम अमेरिका के साथ है और दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम अमेरिका, दूसरी प्रॉब्लम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये करे तो करे क्या मालूम है आपको? तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, समझो। एक गोली से दो निशाना लगाया, एक तीर से दो निशाना। क्या इन्होंने बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम बिना इंग्लैंड आए डायरेक्ट अपने जहाज कंटेनर किसके? टी के। ये भेज दो कहां पे? अमेरिका। जब कंपनी के कंटेनर इंडिया से टी के कंटेनर डायरेक्ट अमेरिका चले जाएंगे तो उन पे टोल टैक्स नहीं लगेगा, और जब टोल टैक्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, आप समझना मेरी बात को, टोल टैक्स नहीं लगेगा तो टी जो है चाय सस्ती हो जाएगी, और जब चाय सस्ती हो जाएगी तो अमेरिकन को लगेगा कि हम पे टैक्स कम हो गया, वो हमारी चाय खरीदने लगेंगे। और अगर अमेरिकन ने हमारी चाय खरीदी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी भी अमेरिकन ब्रिटिश के अंडर में रहना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश के गुड्स को खरीद रहे हैं। लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा अच्छा था कि इधर कंपनी का भला हो जाएगा, उधर अमेरिका भी अपने हाथ में आ जाएगा, लेकिन जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? तुरंत जहाज इंडिया से पहुंचे कहां पे? अमेरिका। और जैसे ही शिप कंटेनर इंडिया से अमेरिका पहुंचे क्या हुआ? अमेरिकन इकट्ठा हुए, मार्च किया, बोस्टन पहुंचे, बोस्टन कोस्टल एरिया पे था, चाय के बैग को उठाया और पानी में, समुद्र में, अटलांटिक में फेंक दिया, ठीक है। और जैसे ही उठाकर उसको फेंका और तब सब लोगों ने आखिरी बार ब्रिटिश की चाय अपने घर में बनाकर पी थी, इसीलिए इसको बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया जाता है। घर में महिलाएं चाय बना रही हैं, विमेंस घर में चाय बना रही हैं आखिरी बार, और मेंस सब निकले हैं, जो पुरुष हैं वो सब निकले हैं, सबने जाके चाय के पैकेट को उठाकर फेंक दिया जो इंडिया से पहुंची थी, कंपनी लेकर गई थी अमेरिका। और इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल स्लोगन दिया क्या कि नहीं भाई साहब, अब हम तुम्हारे अंडर में रहने को तैयार नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा इंडिया से लिंक करता हूं। इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ हो गई थी, मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। और जब नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई तो कांग्रेस बना दिया तो हमारे लोग शांत हो गए। ये अमेरिकन से इंडियन थोड़ी ना है कि तुम्हारी बहल तुम्हारी मतलब बहलावे और फुसलावे में आ जाएंगे, ठीक है। ये अमेरिकन से इन्होंने बोला नहीं पियेंगे चाय, लेकिन हमें आजादी चाहिए। और यहां से मूवमेंट और तेजी से फैला और यहीं पे ब्रिटिश और इनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और फिर क्या हुआ, सभी अमेरिकन कॉलोनीज, कितनी कॉलोनी थी? 13, ठीक है। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज में एक कॉलोनी जिसका नाम था जॉर्जिया, ठीक है, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल में थी, डायरेक्ट कंट्रोल में थी किसके? ब्रिटिश के, ठीक है। तो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, जॉर्जिया छोड़ के 12 कॉलोनी इकट्ठा हुई, 12 कॉलोनी, 12 नेशन कंट्रीज, अमेरिका के 12 स्टेट्स, ये इकट्ठा हुए और इन्होंने एक ओलिव ब्रांच पेटिशन भेजा।
ये भी बेचारे लड़ लड़कर परेशान हो गए थे। इनने एक ओलिव ब्रांच, ये ओलिव जो है ये पीस, सिंबल ऑफ पीस था, सिंबल ऑफ पीस। ओलिव ब्रांच पेटिशन में क्या लिखा गया, 12 कॉलोनी इकट्ठा होती है फिलाडेल्फिया में, कब इकट्ठा होती है 1774 को। ओलिव ब्रांच पेटिशन भेजा गया, इस पेटिशन में क्या बोला गया मालूम है बेटा, इस पेटिशन में यह बोला गया कि अब हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन आपको दो चीजें माननी पड़ेंगी। बोले क्या, तो बोले सबसे पहले कि तुमने जितने रूल्स और रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, रूल्स और रिस्ट्रिक्शन जैसे नेविगेशन लॉ, दूसरे टैक्स, ये तुम खत्म करो, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरा हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हमें एक बार रिप्रेजेंटेशन दे दो अपने पार्लियामेंट में और हम आपको टैक्स दे देंगे, ठीक है। बस प्रेजेंटेशन बेचारे मांग रहे थे और बोले थे कि ये फालतू के रूल हटा दो। इंग्लैंड ने क्या समझा, इंग्लैंड ने इनके पेटिशन को उल्टा ले लिया। इंग्लैंड ने यह समझा कि अब अमेरिकन्स हमारी बराबरी कर रहे हैं, अब अमेरिकन्स हमारे खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं, वो हमारे सामने शर्तें रख रहे हैं, हम इतने गिर गए हैं। और अमेरिका में तुरंत गलती की गई ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने तुरंत मिलिट्री एक्शन कर दिया, किसके खिलाफ में, अमेरिका के खिलाफ में। तुरंत अमेरिका ब्रिटेन से सैनिक पहुंचे, अमेरिका पे अटैक कर दिया गया, अमेरिकन्स ने छुटपुट लड़ाई में हथियार उठा लिया, और तभी फ्रांस से लोग वहां पहुंच गए। कहां से पहुंच गए, फ्रांस से। तो अब जरा समझेंगे, तुरंत जैसे ब्रिटिश ने अमेरिका पे अटैक किया, सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ। कौन सा कन्वेंशन हुआ बेटा, सेकेंड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, कब हुआ, 1776 में। आपको मालूम इस कन्वेंशन में क्या डिस्कशन हुआ था, इस कन्वेंशन में यह डिस्कशन हुआ कि जो थॉमस जेफरसन थे, ठीक है, थॉमस जेफरसन ने क्या किया, तुरंत ड्राफ्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यह दिन था 4 जुलाई 1776, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने अमेरिका को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और फ्रांस इनकी मदद करने पहुंच गया, जो 7 ईयर वॉर का बदला लेना चाह रहा था, और फ्रांस के लफायत पहुंच गए कहां पे, अमेरिका। और फ्रांस के लफायत जैसे अमेरिका पहुंचे बेटा, जॉर्ज वाशिंगटन को फ्रांस की आर्मी का सपोर्ट मिल गया, और इन सब ने मिलकर ब्रिटिश को हरा दिया। और ब्रिटिश की तरफ से कौन गए थे मालूम है, कॉर्नवालिस, जो इंडिया आएगा जमींदारी लगाने, कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस है जो फोन पे बोल रहा है, बी यू आर अनेबल टू एंड द अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये कॉर्नवालिस है जो फोन पे बोल रहा है, मालूम है आपको, ही इज द कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस हराया जाएगा और 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगा, और फाइनली ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लेगा क्या, इंडिपेंडेंस, किसका, अमेरिका का, और अमेरिका यहीं से आजाद हो जाएगा। तो अमेरिका अपना आजादी दिवस मनाता है 4 जुलाई 1776, लेकिन उसको ब्रिटिश ने आजादी कब दी थी, 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस में। इस तरीके से बेटा अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, और आप लोग मुझे बताएंगे कि अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इससे क्या ब्रिटेन को लॉस होगा, ब्रिटेन को लॉस होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ब्रिटेन को लॉस होगा, बताइए अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटेन को लॉस होगा, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइए, लॉस होगा कि नहीं होगा, लॉस होगा ना। और अगर ब्रिटेन को लॉस होगा तो ब्रिटेन इसकी भरपाई कहां से करेगा, कॉर्नवालिस को कहां भेजेगा, इंडिया। और कॉर्नवालिस जब इंडिया आएगा तो इंडिया में क्या लगाएगा, जमींदारी सिस्टम। तो कैन बी से इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिका स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ द ब्रिटेन इन इंडिया, कैन बी से कि इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिका स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, क्योंकि इससे पहले उनको इंडिया में इतना ध्यान नहीं था, ध्यान तब गया जब वो एक ही पावर हाउस बचा, इंडिया एक पावर हाउस तो आजाद हो गया। और यह भी बोला जाता है, हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका आजाद, मेरी बात को वो ध्यान से समझना, हिस्टोरियंस सेड दैट कि अगर अमेरिका आजाद नहीं हुआ होता तो शायद इंडिया के आज दिन कुछ और होते, और ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के अमेरिका पे पूरा अपना डोमिनेंस रखते, ठीक है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करें
कि हाउ अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो अब लिख लोगे कि भाई ये हुआ था तो इनसे लॉस होने लगा और इस लॉस के कंपनसेशन के लिए कॉर्नवालिस इंडिया आया, उसने जमींदारी लगाया, फिर रैयतवाड़ी आया, फिर विलेज लिया आए, धीरे धीरे इंडिया में पोजीशन बढ़ गई और अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो एक थम्सअप बनता है। ठीक है, मजा आया तो एक थम्सअप बनता है, थम्सअप कर दे भाई साहब। ठीक है, मजा आया तो एक थम्सअप बनता है, थम्सअप कर दे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस, एक लाइक तो बनता है, फिर आगे बढ़ते हैं पूरी तैयारी के साथ में। सिविल वॉर, ठीक है, गोइंग टू स्टार्ट सिविल वॉर। ठीक है, चलो भाई साहब, तो सिविल वॉर की बात करते हैं, सिविल वॉर की शुरुआत करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिविल वॉर क्या है। तो चले कंटिन्यू करें सिविल वॉर की, कल करा दे, बताओ, जैसा आप लोग बताओ उस हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थक गए हो तो आज छोड़ दो ना, फिर आज अभी पढ़ा दो, कल फिर बताओ, जैसे भी आपका ओपिनियन काम करेगा। डेमोक्रेसी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में जनता जो कहती है वही होगा, अब जो जनता कहेगी वो कराया जाएगा। ठीक है, बताइए जनता अभी करें या कल करें, ठीक है, दोनों बता दीजिए, मैं उस हिसाब से स्टार्ट कर दूं सिविल वॉर। ओके, मतलब आज करें, कंटिन्यू कर दें, चलो ठीक है भाई। तो सिविल वॉर आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चलिए तो सिविल वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, सिविल वॉर स्टार्ट कर देते, पिक्चर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करें। जी, ठीक। तो अब देखो, समझो सिविल वॉर जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, पहले उसका बेस तो आपका सेटअप कर दो। ये जो सिविल वॉर होने जा रहा है ना, ये इसके पीछे की कहानी ये है कि जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, वो दो पार्ट में बट गया। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ कॉन्टिनेंट वाले नहीं, यूएसए ही दो पार्ट में हो गया। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वो जो यूनाइटेड स्टेट थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, और जो सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स थे वो किसको सपोर्ट करते थे मालूम है आपको? वो फ्यूडलिज्म, स्लेबरी सिस्टम को करते थे। तो हम सभी को मालूम है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्यूडलिज्म का एंड करके आई। कैसे? अब मैं आपको एक छोटा सा इशू बताता हूं। देखो, इंडिया में हड़प्पन सोसाइटी थी, फिर इंडिया में वैदिक एज आया, वैदिक एज में धीरे धीरे हमारे यहां पे ग्रोथ होनी शुरू हुई, जब हमारे यहां पे बुद्ध का टाइम आया, महाजनपद काल, महाजनपद एज, 16 महाजनपद आए थे, शायद आप सभी को मालूम हो। ठीक है, और ये जो 16 महाजनपद आए थे, इनमें अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया, और जब अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ जाती है, और जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती है तो वहां पे सब इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट को लेबर चाहिए, और लेबर कब मिलेगा? जब सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा तब लेबर मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी के पास नौकरी लेने जाओ और बोलो हम पांडे, हमको नौकरी दे दो, पटक के मारेगा, ना नौकरी देगा ना कुछ। आप अंबानी के पास जाओ और बोलो देखो हम उच्च जाति से हैं, हम पांडे हैं, हम ठाकुर हैं, और हमें नौकरी दे दो, अंबानी गिरा के वहीं मारेगा ऑफिस में और फिर फेंक देगा बाहर, बोलेगा डिग्री लेके आओ। तो अब मैटर करता है टैलेंट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टैलेंट वॉज दी बेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बेस हो जाता है बेटा? टैलेंट। और जब टैलेंट अपना बेस हो जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो वो अमेरिका में भी हुआ। जब नॉर्दर्न स्टेट जो थे, नॉर्दर्न स्टेट्स अमेरिका के, वो जब कैपिटलिस्ट लाने लगे तो उनको प्रॉब्लम होने लगी, किससे? साउथ वालों से, क्योंकि साउथ में फ्यूडलिज्म था, और जब फ्यूडलिज्म होता है तो वहां के लोगों में प्रॉब्लम जानते हो क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लेबर को स्लेवरी रखते थे, तो इनके लिए वर्कर चाहिए था, और वर्कर कब आएगा? जब टैलेंट आएगा। टैलेंट कब आएगा? जब लिबर्टी होगी। और लिबर्टी कैसे आएगा? जब फ्यूडलिज्म का एंड होगा। ठीक है, तो अब ये चाहते थे कि सदन में फ्यूडलिज्म का एंड हो जाए। तो इन शॉर्ट नॉर्दर्न स्टेट्स और जो सदर्न स्टेट थे, जब ये आपस में लड़े अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सिविल वॉर। और यहां पे सबसे पहले अनोखे नेता ने जन्म लिया इसी वॉर से, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, जिन्होंने
ओरिजिनल में डेमोक्रेसी बताई कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले पर्सन अगर कोई है तो अब्राहम लिंकन ही है, क्लियर है। तो उनकी शुरुआत, उनका बर्थ यही से होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो अमेरिकन सिविल वॉर है इनके फेज कौन कौन से हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, क्यों, आप @DeepakSirUPSC, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे फुल नोट्स से लेके नहीं पढ़ाता, मैं समझाता हूँ। फुल नोट्स आपको मिलेंगे अब डिटेल वाले यहाँ पे। DeepakSirUPSC टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, यहाँ पे डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जो अमेरिका था, मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो अमेरिका आपको दिख रहा है, एक बार इंक मैं चेंज कर लूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूं तब बताऊं। ये जो अमेरिका आपको दिख रहा है, तो पहले अमेरिका बस इसी साइड में फैला हुआ था। एक सेकेंड मैं हाईलाइटर ले लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये जो अमेरिका था ना, ये पहले इतने में फैला हुआ था, इतने में, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये इतने में फैला हुआ था। दिस इज द अमेरिका, इधर अमेरिका पूरा फैला नहीं था, इधर तो बाद में गया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको बस बता रहा हूं, एक बार इसकी इंक चेंज कर दूं जो आपको थोड़ा सा दिखे, आभास हो, ठीक है। तो अमेरिका बस इतने में फैला हुआ था, ये जो दिख रहा ना आपको, ये पूरा अमेरिका था जो इतने में फैला हुआ था, ठीक है। अब जरा समझो क्या हुआ था, देखो मेरी बात को समझना। ये जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसमें जो ये वाली लाइन दिख रही ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं 36 degrees 30 minutes north, 36 degrees 30 minutes north, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, 36 degrees 30 minutes north, ठीक है, ये नॉर्थ एटलस में जैसे आप देखते हो, ठीक है। हुआ क्या कि ये जो नॉर्दर्न स्टेट थे, जो ग्रीन वाले एरिया दिख रहा ना, ये ग्रीन वाले, ये जो नॉर्दर्न स्टेट कहलाते थे, ये कैपिटलिस्ट स्टेट थे। कौन से स्टेट थे? कैपिटलिस्ट, ठीक है। और ये जो सदर्न स्टेट थे, ये कौन से स्टेट कहलाते थे? ये स्लेवरी स्टेट कहलाते थे। स्लेवरी मतलब यहां स्लेवरी चलता है, वहां कैपिटलिस्ट था, बिल्कुल क्लियर, समझ लेना, ठीक है। अब जरा समझो, समझना मेरी बात को। अब क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न स्टेट वाले कैपिटलिस्ट वाले हैं, इन्होंने इंपोर्ट जो टैक्स था वो बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि कैपिटलिस्ट वाले अपने यहां पे इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे। अब तो आजाद हो चुके, तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे। जब वो अपनी इंडस्ट्री डेवलप करने लगे, तो उनके यहां पे ब्रिटेन अभी भी अपना गुड्स भेज रहा था, उससे उनके मार्केट को लॉस हो रहा था। मान लो हमारे यहां पे टाटा सफारी कार की कंपनी है, और मान लो सस्ते में बाहर की कार आने लगे, तो सफारी कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो चीजें सस्ते में आती है, गवर्नमेंट उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। इससे हमारा डोमेस्टिक गुड सिक्योर हो जाता है। ये भारत भी करता है और सभी देश करते हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट्स ने क्या किया कि इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए इंपोर्ट पे, ठीक है। तो जैसे बेटा इंपोर्ट ड्यूटी पे टैक्स बढ़ाए गए, तो अब एक क्वेश्चन मार्क सामने आया। मालूम है क्या क्वेश्चन मार्क आया? क्वेश्चन मार्क ये आया कि भाई जो सदर्न स्टेट हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और नॉर्दर्न स्टेट कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने टैक्स बढ़ा के अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो एग्रीकल्चर की मशीनें थी ना, वो नॉर्दर्न स्टेट नहीं बनाते थे, वो ब्रिटेन से आती थी। कहां से आती थी? ब्रिटेन से। और जब वो मशीनें ब्रिटेन से आती हैं, तो सदर्न स्टेट को लॉस हुआ, वो मशीन खरीदे उनको महंगे में पड़े। तो यहां से नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट आपस में भिड़ गए, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्दर्न स्टेट में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा था, तो इनको लेबर चाहिए था। अब इनको लेबर नहीं मिल पा रहा था, क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट में अभी भी स्लेवरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? स्लेवरी सिस्टम है। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन सदर्न स्टेट का एक आदमी अपने गुलाम को लेकर नॉर्दर्न स्टेट गया, और जब वो गुलाम नॉर्थ स्टेट में गया, तो वो वहां जाकर सबको देखने लगा। तो एक जगह बाहर बैठा हुआ था जमीन पे, तो लोगों ने देखा कि अरे यार, ये अजीब सा काला सा दिखने वाला आदमी, ये नीचे जमीन में ऐसे क्यों बैठा है, ठीक है, जिससे लग रहा है कि इसने वर्षों से कुछ खाया नहीं है। तो लोग जाकर पूछे कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तो उसने बोला कि मेरे मालिक अंदर गए हैं और वो आ जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तो लोगों ने बोला अरे ये मालिक की बात कर रहा है। लोग हंसने लगे, बोले मालिक कौन होता है? ह्यूमन का कोई मालिक नहीं होता है, ह्यूमन फ्री होता है। अब वो जो गुलाम था उसने सोचा, अच्छा
हमारे यहां तो सबके मालिक होते हैं, हमारे साथ 20 लोग हैं, हम सबका मालिक ये है, आया है अंदर कुछ काम से गया है, मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं जमीन में बैठ के। तो जब वो सदर्न स्टेट में आया अपने मालिक के साथ लौट के, तो उसने बाकी लोगों को बताया कि नॉर्थ में ऐसा कुछ नहीं है, गुलाम उलाम कुछ नहीं है, वहां इक्वेलिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है। अब साउथ में यहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि अब हमें भी आजादी चाहिए। तो सदर्न स्टेट को यह लगा कि जो आजादी की डिमांड कर रहे हैं ये इनकी वजह से है। किसकी वजह से? नॉर्दर्न वालों की वजह से। तो यहां पे नॉर्दर्न और सदर्न में मान लो हथियार तन गया हो, बोला भाई साहब पटक के मार देंगे, गोली मार देंगे, नॉर्दर्न वाले इधर हथियार तान दिए, ये इधर तान दिए। फिर 1820 में इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं मिजूरी कॉम्प्रोमाइज। कौन सा बोलते हैं? मिजूरी कॉम्प्रोमाइज। आपको ये स्टेट दिख रहा है, यही मिजूरी है, ये मिजूरी है, ठीक है। तो मिजूरी कॉम्प्रोमाइज हुआ, और इस कॉम्प्रोमाइज में क्या बात की गई मालूम है? इसमें बोला गया कि जो 36 डिग्री 30 मिनट के नॉर्थ हैं, वो सब फ्री स्टेट होंगे। कौन से स्टेट होंगे? फ्री स्टेट, ठीक है। और जो 36 डिग्री 30 मिनट के साउथ वाले हैं, ये सब स्लैब स्टेट होंगे। कौन से स्टेट होंगे? स्लैब स्टेट होंगे। तो मिजूरी एग्रीमेंट तय हो गया, ठीक है, कि 36 डिग्री 30 के ऊपर फ्री और 36 डिग्री 30 के नीचे स्लेवरी, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर क्या हुआ? कैपिटलिस्ट क्लास माना नहीं, ठीक है। जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक सेकंड में जरा पेन ले लूं, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान देना, कैपिटलिस्ट क्लास माना नहीं। कैपिटलिस्ट क्लास ने शुरू किया एंटी स्लेवरी एक्टिविटी, ठीक है। साउथ में मूवमेंट चालू हो गए, जो हमारे इंडिया में जैसे हुए थे ना, ऐसे मूवमेंट चालू हो गए। तो साउथ वालों को यह लगा कि कोई भी मूवमेंट करने के पहले पीछे क्या चाहिए? पैसा। और इनके गुलामों के पास तो 1 रुपए 54 का ठिकाना नहीं है, इनके पास 58 नहीं है, और ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं भाई? ये सब ये साले मूवमेंट कहां से कर रहे हैं? इनके पास तो 54 58 भी नहीं है। तब इनको शक हुआ कि यार ये उंगली अभी भी नॉर्थ वाले कर रहे हैं, ये मिजूरी एग्रीमेंट को मान नहीं रहे हैं, ये अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो साउथ वाले और गुस्से में भड़क उठे। उसी समय दो फैसला आया। कौन सा फैसला? दो फैसला मैं आपको बता दूं। एक नेता थे, डेमोक्रेटिक थे, स्टीफन डगलस, ठीक है। स्टीफन डगलस एक पॉलिसी लेकर आए, ठीक है, मैं आपको बता दूं। स्टीफन डगलस ने बोला, क्या बोला स्टीफन डगलस ने बोला कि स्लेबरी जो है ना, कि कौन से स्टेट फ्री होंगे और कौन से स्लेबरी होंगे, वो बिस ऑफ द पीपल पे होना चाहिए, बिस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। सबको मालूम था कि अगर बिस ऑफ द पीपल हो गया तो साउथ में फ्यूडलिज्म हावी है, वो सबको स्लेबरी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये साउथ वालों को एक पावर मिली कि स्टीफन डगलस ने बोला कि बिस ऑन द पीपल डिसाइडेड कि भाई जो स्टेट होगा इधर फ्री, ठीक है, और भाई स्लेवरी स्टेट, ये लोगों के ऊपर निर्भर करेगा वो किसके साथ जाना चाहते हैं। पहली चीज आ गई। सेकंड आ गया, डेड स्कॉट का केस आया था। सेकंड डेड स्कॉट, मैं आपको बता दूं, डेड स्कॉट एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस लड़ा गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो स्लेबरी है वो लीगल है, लीगल राइट है, स्लेबरी क्या है? लीगल राइट है, और जब मालिक चाहेगा तो ही गुलाम आजाद हो पाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अमेरिका के, अभी अमेरिका के किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ड्रेड स्कॉट जो थे इस केस ने, स्टीफन डगलस ने, ये जो सदर्न स्टेट इनको मोटिवेट कर दिया, और सदर्न स्टेट ने जानते हो क्या किया? एक सेकंड बस मुझे इसको क्लीन कर लेने दो, ठीक है। देखो जो सदर्न स्टेट थे बेटा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये लाइन है, ये 36 डिग्री, ये यहां से बढ़े, इसको कैप्चर कर लिया, वर्जीनिया को कैप्चर कर लिया, और मिजूरी को कर लिया, ठीक है, और ये इनको भी मिला लिया, इनको सबको अपने कब्जे में कर लिया। और जैसे इन्होंने अपने इनको सबको अपने कब्जे में किया, तो इन्होंने बोला तुमने वायोलेशन किया है किसका? मिजूरी एग्रीमेंट का। तो साउथ वालों ने क्या बोला? साउथ वालों ने बोला तुमने तो इससे भी बुरा किया। बोले क्या? तुमने हमारे यहां पे मूवमेंट करवाया है, लोगों को पैसे दिए, हथियार दिया है, तो इससे नॉर्दर्न स्टेट सदर्न स्टेट आपस में भिड़ गए। और जैसे भिड़े, नॉर्दर्न स्टेट के इलाकों को जो ग्रीन ग्रीन है, इनको मिलाकर एक फेडरल पार्टी आ गई।
फेडरल पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए अब्राहम लिंकन आ गए और अब्राहम लिंकन ने क्या बोला मालूम है आपको? अब्राहम लिंकन ने बोला कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में जीत जाती है तो मैं स्लेवरी फ्री कर दूंगा। चुनाव हुआ, अब्राहम लिंकन जीत गए और ये सदर्न स्टेट के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि सदर्न स्टेट को लगा कि अब्राहम लिंकन जीत गया है तो स्लेवरी हटा देगा। तो सदर्न स्टेट ने 8 स्टेट, मैं आपको बता दूं 8 स्टेट्स, अल्बानिया, ठीक है, टेक्सास, नेब्रास्का, वर्जीनिया, 8 स्टेट्स ने मिलके डेविस जेफरसन, नाम याद रखेंगे, बाकी कल डिटेल नोट्स में मिलेगा, ये सब भी मिलेगा। डेविस जेफरसन के अंडर में क्या किया मालूम है आपको? डेविस जेफरसन के अंडर में मूवमेंट किया और इन सब ने कन्फेडरेशन ऑफ द स्टेट बना लिया। वहां फेडरल, उसका कौन है हेड? अब्राहम लिंकन। और नीचे कौन आ गए? कन्फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और जैसे ही दो गवर्नमेंट बन गई तो अब्राहम लिंकन ने बोला कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब हम सदन के इलाकों को अपने में मिलाएंगे, ठीक है। और इसके लिए इसको क्या करना पड़ता? साउथ में अटैक करना पड़ता। तो अब्राहम लिंकन ने बड़ी चालाकी से अमेरिका को कैसे स्लेवरी फ्री कराया और कैसे अमेरिका में, मतलब 13 अमेंडमेंट करके स्लेवरी को पूरी तरीके से एंड कर दिया, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी लेके आ गए और पूरे अमेरिका को एक फेडरल गवर्नमेंट बना दिया, ये फेडरल स्ट्रक्चर दे दिया, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। यस, कॉन्फेडरेशन बनाया था अलग डेविड जेफरसन ने, ठीक है। चलो देखो, अब ये अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, ये चुनाव जीत गए हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये लास्ट चल रहा है, बस 10 मिनट का और लेक्चर बचा है, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो थे ये चुनाव जीत गए हैं, चुनाव जीत के इन्होंने सबसे पहले, अब इनके सामने इनका पहला मोटिव क्या है? क्या इनका मोटिव यही है? स्लेवरी को एंड करो, स्लेवरी को एंड करो। अब ये स्लेवरी को एंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? साउथ में अटैक करना पड़ेगा, साउथ में अटैक करना पड़ेगा। अब अगर ये सोच रहे थे अगर हम साउथ में अटैक किए और साउथ वालों को बाहर के देशों से सपोर्ट मिल गया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, तो अब्राहम लिंकन पहले डिप्लोमेसी लेकर आए। डिप्लोमेसी में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस को क्या बोला कि देखो तुम्हारा युद्ध चल रहा है रसिया से, मैं न्यूट्रल हूं, अगर तुम लोग रसिया को धो धो के भी मारोगे ना तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा, मैं तुम्हारे में इंटरफेयर करने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं सदर्न स्टेट पर अटैक करूं तो तुम न्यूट्रल रहना। तो ब्रिटेन फ्रांस ने बोला क्या दिक्कत है, जैसा कह रहे हो वैसा सही है, हम न्यूट्रल रहते हैं। बोले हाँ ठीक है। तो इस तरीके से इसने ब्रिटेन फ्रांस को आइसोलेट कर दिया, पहली चीज। फिर अब्राहम लिंकन ने क्या किया? प्रिकॉशन लेकर आए। प्रिकॉशन मतलब अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में नवल ब्लॉकेड बना दिए। नवल ब्लॉकेड मतलब समुद्र में जहाज खड़ा कर दिए, ठीक है, बहुत सारे जहाज समुद्र में खड़ा कर दिए बेटा, और ये जहाज जो थे ये समुद्र में घेर लिए चारों तरफ से सदर्न स्टेट को, और जब सदर्न स्टेट चारों तरफ से घिर गया तो उसने फिर अमेरिका में इमरजेंसी लगा दी, जो हमारे यहाँ 1975 में लगी थी, अमेरिका में इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेस वगैरह सब रोक दिए गए, और जैसी इंटरनल इमरजेंसी लगी, ठीक है याद रखेंगे, जैसे ही इंटरनल इमरजेंसी लगी तुरंत अब्राहम लिंकन ने इशू क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मालूम है आपको क्या इशू चेंज किया? अब सदर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट दोनों भिड़ते और अगर दोनों में वॉर होता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो सदर्न स्टेट ने क्या बोला मालूम है आपको? सदर्न स्टेट ने बोला, मतलब अब्राहम लिंकन ने क्या बोला मालूम है आपको? अब्राहम लिंकन ने बोला स्लेवरी इज नॉट माई कंसर्न, स्लेवरी इज नॉट माई कंसर्न, ठीक है, माई कंसर्न इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनिटी ऑफ द अमेरिका फॉर विच आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, गिविंग सेक्रीफाइस। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोली? जब इसने साउथ पे अटैक किया तो साउथ के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए क्या बोला? बोला मुझे स्लेवरी से कोई मतलब नहीं है, स्लेवरी रहे चाहे ना रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कंसर्न है कि हमारे पूर्वजों ने जिस अमेरिका के लिए ब्रिटिश से लड़कर जान दे दी थी, मैं उस अमेरिका को यूनाइट करना चाहता हूं, उसको एक करना चाहता हूं। सदन के लोगों का दिल बदल गया, अब्राहम लिंकन को सपोर्ट कर दिया और अब्राहम लिंकन ने तुरंत सबको एक कर दिया और 13 अमेंडमेंट से स्लेवरी को पूरी तरीके से एंड कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर, ठीक है।
क्लियर है। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से सिविल वॉर का एंड हो गया और लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, तो आप बताओ कोई डाउट आउट है अभी? तो जो डाउट होगा आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे सभी को, डिटेल नोट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, वहां डिटेल मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने लास्ट में पढ़ाया तुम लोग के बोलने पे, ठीक है। और याद रखेंगे, बस एक बार बस रीडिंग ले लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल से मेन टॉपिक फिर स्टार्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कल शाम को 5 बजे आंसर राइटिंग की क्लास, जिसमें दो टॉपिक के आंसर राइटिंग होंगे। पहला आपका आंसर राइटिंग किसका होगा मालूम है आपको? नेशनलिज्म, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो कल पढ़ाया था, और अमेरिकन रेवोल्यूशन और सिविल वॉर का आंसर राइटिंग होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके, पहली चीज। सेकंड आपको 7 बजे की क्लास में मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, स्वेज कैनाल का इशू क्या था, इजराइल का इशू क्या है, ठीक है, सीरिया का इशू क्या है, इस्लामिक इंपीरियलिज्म क्या है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म क्या है, ये कल पता चलेगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, ये कल पता चलेगा। बेटा आदित्य संडे है, संडे को कोई लेक्चर नहीं लेता है, वो तो आप लोग के कहने पे मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पे संडे को बाकी डेली 7 बजे और रात को 10 बजे ही लेक्चर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, अब ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। तो 7 पे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, और रात को 10 बजे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिस्कस करेंगे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, क्लियर है, ठीक है। अन अकेडमी पे दोनों क्लास रहेंगी, आंसर राइटिंग अन अकेडमी पे रहेगी, और बाकी 7 बजे 10 बजे यहीं पे रहेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, और UPPCS की आंसर की अभी अपलोड हो जाएगी कल तक, ठीक है। UPPCS का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की मिल जाएगी। आंसर राइटिंग का टाइम चलो मैं एक बार ग्रुप पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग ग्रुप का एड्रेस टेलीग्राम में ऊपर पिन है, तो वहां पे क्लिक करोगे वहां पे मिल जाएगा, वहां पे आके ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहां पे आके ज्वाइन कर लो। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं कल पूरी तैयारी के साथ में, अपने पूरे उसी टाइम पे, मंडे टू सैटरडे सेम टाइम चलेगा, संडे को एक ही लेक्चर रहेगा, और अगले संडे को मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग ऑस्ट्रेलिया की पूरी कराने वाला हूँ, ओशेनिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको कराने वाला हूं अगले संडे को दोपहर में 3 घंटे में, पूरा ओशेनिया खत्म करूंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और स्टोरी में जैसे हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना, ठीक है, जैसे हिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं ना, क्लियर है, उसी हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में आपको रटा दूंगा कि मैपिंग पूरी रट जाओगे, ठीक है, पूरी कहानी में, ठीक है। चलो थैंक यू, चलिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, नोट्स अभी अपलोड हो रहा है, डोंट वरी।